नमस्ते। ये एकदम सही हेयर स्टाइल। पास में है बूब है। इसे स्माइल पे ना मैं मर जाती हूँ। सुबह सुबह मेरे को माली बना दिया इन्होंने। यार तुम क्या करना क्या चाह रहे हो मैडम? आज के बाद में तुम्हारा पीओवी क्या है वो बताओ पहले। रक्षक यार सुबह सुबह मेरे को रुला दिया। क्या हुआ सुबह सुबह रोने का क्या मतलब है? ओनियन किसके आपको लगाया ना ऐसे उसका सिर पे जो है तो इसमें रोने वाली क्या बात है लेकिन रो मत यार कुछ नहीं होता यार। फिर क्या हुआ? हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आपको आवाज़ नहीं आ रही है या हमारे व्यूवर्स को आवाज़ नहीं आ रही है? यही तो आया था ना उस दिन एक ही दिरहम का था या एक ही दो का था? यस यस एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी उनसे उस दिन दो दिरहम के पकोड़े ला के दिए थे तो वो कंफ्यूज थे कि एक है या दो है। चलो ठीक है तो आज संडे है और हम लोग निकले हुए हैं वॉक पे प्लस इनके हेयर कट के लिए। हाँ वॉक गर्मी में वॉक नहीं करते लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं इनके हेयर कट के लिए और हेयर कट की सारी इंस्ट्रक्शंस आज यही पास करने वाली है। आपको आपको जैसे पता है कि जो इनके हेयर कट के लिए ये हमेशा मुझे साथ लेके जाते हैं। ओह माय गॉड। और जो हेयर कट हमेशा ख़राब होता है वो भी इसकी वजह से ही होता है। इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मैं तो पहले ही बोल रही थी आपको कि मैं नहीं चलती आप चले जाओ। तो लेकिन हमें मैं वैसे भी तुम्हें लेके कहाँ जा रहा था वो तो हमें हेयर कट के बाद आगे जाना है इस वजह से तुम्हारा आना ज़रूरी था इसलिए तुम्हारी हमें ज़रूरत है। ओके ओके। तो भाई साहब की कटिंग चल रही है तैयारी करने में कुछ ज़्यादा टाइम ये एकदम सही हेयर स्टाइल। ऐसा स्टाइल भी अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा। क्या करना है इस फालतू का? More or little bit. Not too much. Yeah. चाल गया। चाल गया। पंजाबी वाला मराठी एक्सेंट के साथ पंजाबी एक्सेंट देना जरूरी होता है। तो आपको कैसा लगा मेरा हेयर कट? नेक्स्ट टाइम मेरा हेयर कट मेरे आज एक हेयर ड्रेसर नहीं था मेरे दो हेयर ड्रेसर थे। फिर नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स। नमस्ते नमस्ते। नेक्स्ट टाइम ये मुझे हेयर कट सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम ये टीचर हमारा हेयर कट। ओके फाइन। ओके सैम। ओके बाय। क्यों हंस रहे थे? कुछ हो गया ना इसलिए। इस स्माइल पे ना मैं मर जाती हूँ। तुम मरी थी 2011 में फर्स्ट टाइम। लेकिन हर बार आप मुझे इसी किलिंग वाली स्माइल लेके ना जान दे लोगे एक दिन मेरी। इतना हाँ। इतना फ्लैटरी करने की क्या जरूरत क्या है तेरे को? अभी कुछ खरीदना है तेरे को? बाहर जा रहा है तो कुछ चाहिए तेरे को? तभी मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ओह नो। इधर आए तो डे टू डे भी जाए या नहीं? अभी नहीं यार। डे टू डे क्या है कि एक मेला है तो मेले में मैं तुमको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरा नुकसान हो सकता है उससे। अरे वैसे भी शॉपिंग तो हमें थोड़े दिनों में करनी है तो बेटर है कि हम छुट्टी के दिनों में आ जाएं। और क्योंकि यहाँ टाइम चाहिए तो टाइम चाहिए और लड़कियों को तो ज़्यादा टाइम चाहिए। हाँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी किसके काम के लिए जा रहे फिर?
अभी बस विंडो शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी और एटीएम का कुछ काम है वो खत्म करके खलास। अरे यार एक तो तुम एटीएम बहुत जाते हो। शाम भी खूब है और पास महबूब है। ओए ओए अभी देखो दिन में निकले थे और रात करती करते करते विंडो, ये तुम्हारी विंडो शॉपिंग है ना, क्या कर यार हम लोग गए थे सिर्फ देखने के लिए लेकिन कुछ पसंद आ गया तो सोचा कि हम चलो कर लेते हैं, तो फिर ये हमने खरीद लिया, इसको घर पे अनबॉक्स करेंगे इसमें क्या है नहीं पता। तो गाइस अभी बस एटीएम आए हैं फिर यहाँ से हम जाएंगे घर। अभी यार भूख लगी है, हमारा एटीएम का काम खत्म हो गया है और अब हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। चले भाई साहब बहुत थका दिया है, पैर दर्द कर रहे हैं आप। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अब घर जाके खाना वाना बनाना है और ये मैडम और थक जाएगी। अभी तक सुबह उठना भी है 4 बजे, अभी क्या कर सकते हैं ना। तो सी यू देन।